हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार नगर विकास विभाग में भर्ती आई है, पंचायत स्तर पर आवेदन शुरू है। कंप्यूटर ऑपरेटर, आईटी बॉय, टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, सफाई कर्मी का वैकेंसी आया हुआ है। ये आप सबों के बीच जैसे कि आप देख रहे हैं, 117 नए नगर निकायों में बहाल होंगे 952 कर्मी, तेज़ी से होंगे काम, जैसे कि नज़दीकी ईओ संभावना है और संभाल रहे जिम्मेदारी। और जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, संवाददाता पटना के अंतर्गत एजेंसी के माध्यम से होगी बहाल साफ सफाई कर्मी के अंतर्गत। और नगर विकास एवं आवास विभाग सूबे में नवगठित 109 नगर पंचायत व 8 नगर पार्षद सहित 117 नए नगर निकायों को फाउंडेशनल बनाने की तैयारी से जुट गया है। इसके तहत इन निकायों में नए पद सृजन किए जाने के साथ ही सृजित पदों पर बहाल की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिलहाल संबंधित जिला अधिकारी के स्तर पर हर नवगठित नगर निकाय को 5-5 कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सृजित पद पर नियुक्ति में ही हो रहे विलम्ब को देखते हुए तत्काल एजेंसी के माध्यम से हर नगर पार्षद को 10 व नगर पंचायत को 8 सहित कुल 952 कर्मी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और नए साल के पहले तक कर्मी उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी जानकारी आप लोग को मैं अपने एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। ये सारी अपडेट मैं आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से लेकर आया हूँ, ताकि आपको इस पेपर के माध्यम से सारी जानकारी मिलते रहे। फिलहाल आप लोग देखें, तेज़ी से काम चल रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है, नवगठित कई नगर निकायों में कार्यपालक प्राधिकारी ईओ के खाली पदों को देखते हुए नज़दीकी नगर पार्षद के कार्यालय प्राधिकारी को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रत्येक नगर पंचायत को 2 आईटी बॉय, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर और एक अकाउंटेंट व सफाई निरीक्षक, नगर पार्षद को 3-3 आईटी बॉय व कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जा रहा है। ये सारी, जबकि नगर पार्षद को 3-3 आईटी बॉय व कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 टैक्स कलेक्टर और एक अकाउंटेंट व सफाई निरीक्षक मिलेंगे। पहले चरण में विभाग इन निकायों को साफ सफाई की सीमांकन कार्यों पर फोकस करेगा। उसके बाद मानव बल उपलब्ध होने पर धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट, पेयजल व सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं भी योजना बना कर दी जाएगी। ये सारी अपडेट मैं आप लोगों को इसलिए लाता हूँ कि जो पेपर के माध्यम से जो आता है 24 सितंबर 2021 का, यह जो पर माध्यम है प्रभात खबर माध्यम से, इसकी जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।